नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। अगर आप बटलर के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। बटलर रन आउट मामले में आलोचना का शिकार हो रहे रविचंद्रन अश्विन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है ये अपील। इन दिनों भारत में आईपीएल 2019 खेला जा रहा है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग के बीच लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि 7 चरण के लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच होंगे। मतों की गिनती 23 मई को होगी। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 भारतीय क्रिकेटर्स से मतदाताओं को जागरूक और प्रोत्साहित होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल अकाउंट पर लिखा कि क्रिकेट के मैदान पर शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और रविचंद्रन अश्विन अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा और अपनी टीम के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ चमकते हैं। मैं उनसे अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक और प्रोत्साहित करने का आग्रह करता हूं। रविचंद्रन अश्विन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से उनसे आग्रह किया है, मैंने हमेशा ही सोचा है कि मतदान हमारे लोकतंत्र का आधार है और मैं निश्चित रूप से हमारे देश के नुक्कड़ और कोने से प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने और सही नेता चुनने का आग्रह करूंगा। आईपीएल में खेलने वाले प्रत्येक क्रिकेटर को वोट डालने की अनुमति दी जाए। साथ ही अश्विन ने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आईपीएल में खेलने वाले प्रत्येक क्रिकेटर्स को कहीं भी खेल रहे हो उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जाए। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताएं।